गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टी एस एन स्कूल। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण। पंखुड़ी पाठ्यपुस्तक में आज हम पाठ 16 निबंध लेखन, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं ऐसे राइटिंग, का अध्ययन करेंगे। निबंध लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है, वो किस तरह के होते हैं, उनकी भाषा वगैरह कैसी होती है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह बंधा हुआ, अर्थात व्यवस्थित। निबंध का अर्थ क्या है? अच्छी तरह से बंधा हुआ या फिर व्यवस्थित रूप में लिखना। निबंध किसी विषय पर पर विचारों को सरल और प्रभावशाली रूप में प्रकट करने वाली रचना होती है। निबंध क्या होता है? आप किसी भी विषय पर लिख रहे हैं, उस पर क्या होता है, विचारों को सरल, मतलब जो अपने विचार होते हैं उनको सरल और प्रभावशाली रूप में क्या करते हैं, अपन प्रकट करते हैं, वही रचना होती है। निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे तथा अर्थपूर्ण होने चाहिए, मतलब छोटे तो होंगे और वो छोटे जो वाक्य होंगे वो कैसे होंगे, अर्थ, जिनका कोई अर्थ होता है उससे पूर्ण होने चाहिए। विचारों को बार बार दोहराया ना जाए, जैसे अपन एक ही एक विचार को बार बार क्या करें, लिखे नहीं, इसको एक बार उस विषय में लिख दिया तो उस विचार को दूसरी तरह से लिखना चाहिए। विषय का वर्णन स्पष्ट रूप से होना चाहिए, मतलब कहने का तात्पर्य जिस विषय में आप लिख रहे हैं निबंध, उसका वर्णन जो होएगा वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। उससे मतलब उससे संबंधित ही जो वर्णन किया जाएगा उस विषय से संबंधित ही होना चाहिए। वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, मतलब आप जो भी लिख रहे हैं भाषा, उसकी जो वर्तनी होगी वो शुद्धता से लिखी जानी चाहिए। व्याकरण संबंधी चिन्हों को यथोचित स्थान देना चाहिए, जो व्याकरण से संबंधित चिन्ह होंगे आपके वो कहाँ पर होंगे, यथोचित स्थान पर, मतलब जहाँ जिसका प्रयोग हो रहा है वहीं पर उनका स्थान होना चाहिए। तो निबंध किसे कहते हैं, किसी विषय पर विचारों को सरल, स्पष्ट तथा प्रभावशाली रूप से प्रकट करना निबंध कहलाता है। निबंध किसे कहते हैं, अपन वापस दोहरा रही हूँ मैं, किसी विषय पर विचारों को सरल, स्पष्ट तथा प्रभावशाली रूप से प्रकट करना निबंध कहलाता है। तो उसके कुछ उदाहरण दिए हैं आपकी पाठ्यपुस्तक में, मैं उसको बता देती हूँ। जैसे इंदिरा गांधी एक विषय है अपना जिस पर अपन निबंध लिख रहे हैं, तो इंदिरा गांधी से संबंधित ही इसमें जो विचार होंगे वो इस निबंध में बताए जाएंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के अनेक महापुरुषों में से एक थी, मतलब इंदिरा गांधी जो विषय है उससे संबंधित जो वाक्य होंगे अपने वो उससे संबंधित ही होंगे। तो इंदिरा गांधी जी का जन्म 1 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। अब इंदिरा गांधी के विषय में लिख रहे हैं तो उनसे जो रिलेटेड, जो उनसे संबंधित बातें हैं, जो विचार है, अपन उसमें प्रकट करेंगे। इनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था और माता का नाम कमला नेहरू था। इंदिरा जी की शिक्षा शांति निकेतन तथा ऑक्सफोर्ड में शिक्षा पूरी करके भारत आने पर वे अपने पिता पंडित नेहरू के साथ सन 1959 में राजनीति में भाग लेने लगी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। इनका विवाह श्री फिरोज गांधी के साथ हुआ था। आप भारत छोड़ो आंदोलन में कई बार जेल भी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में अपना सूचना प्रसारण मंत्री बनी। सन 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाने के पर आप भारत की प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जिससे उनका नाम सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। 1971 में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की और बांग्लादेश को आज़ाद कराया। बड़े दुख की बात है कि भारत की इस महान महिला की
उनकी अपने ही अंगरक्षक ने गोली मारकर हत्या कर दी। अंगरक्षक कौन होता है? जो बॉडीगार्ड होते हैं, जो अपने अपनी मतलब पूर्ण रूप से अपने जो पास में रहता है, बॉडीगार्ड कहते हैं जिसे अपन, वो होता है अंगरक्षक। भारत के लिए उनका यह बलिदान सदा अमर रहेगा। तो जो अपन ने इंदिरा गांधी निबंध विषय पे निबंध लिखा है, तो इंदिरा गांधी से संबंधित सारी बातों का प्रयोग किया गया है। अब ऐसा ही है ताजमहल, ताजमहल के बारे में, ताजमहल विषय के बारे में अपन निबंध लिख रहे हैं, तो हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाएगा। ताजमहल आगरा शहर में, शहर से बाहर यमुना नदी के दाई और किनारे पर हुआ है, पर स्थित है। इसका अद्भुत सौंदर्य देश विदेश के लोगों को स्वयं ही अपनी ओर आकर्षित करता है। सौंदर्य मतलब जो उसकी बनावट है, जो सजावट है उसकी, तो वो क्या है, अद्भुत है, मतलब देखने योग्य है। तो देश विदेश के लोगों को जो बाहर से देखने आते हैं, अपने देश वाले भी देखते हैं, तो वो क्या है, उनको आकर्षित करती है उसकी जो अद्भुत सौंदर्य है। ताजमहल लगभग 400 वर्ष पुराना मुगल कालीन स्मारक है। इसका निर्माण बादशाह शाहजहां ने अपनी और खूबसूरत बेगम मुमताज महल, जो उनके शाहजहां थे, जो उनकी खूबसूरत बेगम थी, कौन थी, मुमताज महल की यादगार में कराया था, मतलब यादगार में बनवाया था। जो ताजमहल है वो किसकी किसकी यादगार में बनवाया, जो शाहजहां था वो किसने, मतलब जो बेगम थी उनकी, मुमताज महल उनकी याद में बनवाया था, इनका निर्माण करवाया था। इसे 20,000 मजदूरों ने 22 साल में पूरा किया था। ये सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल के चारों कोनों पर चार मीनार हैं। शाहजहां और मुमताज की कब्र ऊपर कृत्रिम रूप कृत्रिम और नीचे असली बनी हुई है। शरद पूर्णिमा की रात को ताजमहल की शोभा देखते ही बनती है। चांद की चांदनी में चमकता हुआ श्वेत धवल ताजमहल देसी विदेशी पर्यटकों को अन्यास की लुभा लेता है। ये वास्तुकला का अद्भुत नमूना भारतवर्ष का गौरव है। ताजमहल तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जितना भी ताजमहल के विषय संबंधित जो बातें थी उस निबंध में बताई गई है। फिर है हमारा गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारे देश के निवासी देश को एक बड़े एवं मजबूत आधार पर रखकर आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए ये आवश्यक था कि देश के विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नियमों का निर्माण हो। इस महान कार्य को पूरा करने के लिए हमारे देश के लिए संविधान बनाया गया। ये संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश पर लागू हुआ। इसलिए तब से अब तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। किसका? भारत देश का। गणतंत्र दिवस पर हर जगह छुट्टी रहती है। बच्चे बूढ़े सभी प्रसन्नता में डूबे रहते हैं। राजधानी दिल्ली में, जो भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली, इस दिन गणतंत्र दिवस को भव्य रूप से मनाया जाता है। देश के राष्ट्रपति विजय पथ पर सलामी देते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। परेड में सेना की तीनों, जल सेना, थल सेना और वायु सेना की टुकड़ियां भाग लेती है और विद्यालयों के बच्चे भाग लेकर नृत्य और गायन से दर्शकों का मन मोह लेते हैं। परेड में विभिन्न तरह की झांकियां भी होती हैं। रात को सारे देश में प्रत्येक सरकारी भवन पर दीपमालाएं सजाए रहती है, जिससे सड़क और बाजार बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये अपन ने 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है उस विषय पर निबंध में जो मतलब बताया गया है, इसमें सारी बातें जो गणतंत्र दिवस से संबंधित थी। ऐसा ही है हाथी पर एक निबंध है। हाथी एक बहुत बड़ा पशु है, मतलब हाथी से संबंधित ही बातें इसमें इस निबंध में बताई जाएगी। हाथी क्या है, एक बहुत बड़ा पशु है।
ये कद से बहुत ऊंचा होता है, इसका वजन काफ़ी होता है, इसके दो बड़े बड़े कान होते हैं, इसकी एक लंबी सूंड होती है, इसके दो बड़े दांत होते हैं। हाथी के दांत बहुत कीमती होते हैं। आपने सुना है कि जो हाथी होता है, हाथी के दांत कितने कीमती होते हैं, उसे हाथी दांत से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है इसकी, वो महंगे होते हैं, जिससे गहने बनते हैं। ये पेड़ों के हरे पत्ते, गन्ने आदि खाते हैं। जंगलों में ये लकड़ी ढोने के काम में लाया जाता है। ये एक बुद्धिमान जानवर है। तो बच्चों, आज हमने निबंध के बारे में पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बताए, जैसे पहले बताया इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी जो संबंधित बातें थी उस निबंध में बताई गई है। फिर मैंने बताया ताजमहल, तो ताजमहल पर अपन ने जो निबंध लिखा है वो उससे संबंधित बातों पर ही लिखा, जो संबंधित उससे जुड़ी हुई बातें हैं उसको बताया गया है। हमारा गणतंत्र दिवस, इससे रिलेटेड अपन ने जो वाक्य थे वो बनाए हैं और उसमें बताए गए हैं। फिर हाथी, हाथी के विषय में बताया गया है। तो आज हमने एक बार दोहरा देते हैं कि किस विषय में अपन ने क्या अध्ययन किया है। किसी विषय पर विचारों को प्रकट करना निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे तथा अर्थपूर्ण होने चाहिए। निबंध लिखते समय विचारों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। तो आज हमने निबंध लेखन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।